हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आज कौन से इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देंगे हमें? आज मैं आपको इक्विपमेंट नहीं, एक बहुत जरूरी बात समझाने आया हूँ। वो क्या है? आज मैं आपको कैसे अपने सेफ्टी बनाए रखनी चाहिए ये बताने आया हूँ। मेरी सेफ्टी? मैं समझा नहीं। आप साइट को अप रखने के लिए दिन भर काम करते हैं और कई बार साइट अप रखते हुए अपनी सुरक्षा को अनदेखा कर देते हैं। साइट को अप रखना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, मगर आप जितना साइट की देखभाल करते हैं उतनी ही खुद की सुरक्षा भी करें। और आपकी सुरक्षा के लिए कंपनी ने आपको सेफ्टी शूज, ग्लव्स, रिफ्लेक्टर जैकेट और कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिए हैं, और आपको इन सब चीजों का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए साइट पर जाते वक्त और वहां काम करते हुए। जैसे साइट पर बाइक से जाते वक्त हेलमेट और रिफ्लेक्टर जैकेट जरूर पहने, ऐसे ही कार में चलते वक्त सीट बेल्ट लगा लें। साइट पर कोई भी बिजली का काम इलेक्ट्रिकल ग्लव्स पहनकर ही करें। हमेशा ध्यान रखें कि काम शुरू करने से पहले इनपुट सप्लाई काट दी हो और बॉडी का कोई पार्ट गीला ना हो। HT, LT लाइन ट्रांसफर के ऊपर कोई काम नहीं करें। अगर कोई समस्या हो तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी को शिकायत करें। याद रखें कि साइट पर ट्रेंड व्यक्ति ही काम करे। ये भी ध्यान रखें कि काम या इक्विपमेंट की पूरी जानकारी होने पर ही काम शुरू करें। आइए अब जानते हैं आपको अपनी सुरक्षा के लिए किन चीजों को चेक करना चाहिए। साइट पर कोई भी काम शुरू करने से पहले अंगूठी, घड़ी, चेन और कोई भी धातु की वस्तु उतार दें। हर HT कंपोनेंट से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ध्यान रखें कि कोई भी जलने वाली वस्तु आपके स्किन या आंख पर नहीं लगे, ये बहुत हानिकारक हो सकती है। ध्यान रखें कि बैटरी टर्मिनल सही से टाइट हो। अगर साइट पर ठीक से रोशनी नहीं हो तो इमरजेंसी लाइट लगाकर ही काम करें। साइट की हर महीने सफाई करें और ध्यान रखें कि साइट पर चूहे और सांप ना पनपने पाएं। चेक करें कि रूफटॉप साइट पर कोई लीकेज या सीपेज नहीं हो। रूफटॉप साइट पर सेफ्टी के लिए रेलिंग और फेंसिंग हो। देखें कि किसी भी वायर में जोड़ या कट नहीं हो। चेक करें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आने वाली सभी वायर्स आर्मर्ड हो और उन पर कोई नुकसान नहीं हो। इसके अलावा ये भी देखें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेन से छेड़छाड़ नहीं हुई हो। हमेशा ध्यान रखें कि साइट के ऊपर से कोई HT पावर लाइन नहीं जाए। चेक करें कि SMPS में फ्यूज पुलर जरूर हो। हर साइट पर गवर्नमेंट के मुताबिक EMF सेफ्टी साइन होना जरूरी है। देखें कि क्रिटिकल सेफ्टी टिप्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी, PIU या IPMS पर डेंजर स्टिकर और DG पर कॉशन स्टिकर लगा हो और ठीक कंडीशन में हो। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की जानकारी वाला स्टिकर भी साइट पर लगा होना चाहिए। निश्चित करें कि साइट पर मौजूद गार्ड को सुरक्षा की जानकारी हो। चेक करें कि साइट पर अनजान लोगों के आने पर पाबंदी हो। टावर के पास खड़े होकर चेक करें कि टावर के सभी नट बोल्ट लगे हुए हों और टावर पर मधुमक्खी का छत्ता या पक्षी का घोंसला नहीं हो। अगर साइट GBT या काऊ हो तो चेक करें कि जमीन धसी हुई ना हो, एक समान हो। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है और आपको
उसके प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। जी, मैं अपनी सुरक्षा के लिए इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। इसके अलावा आपको साइट की सुरक्षा पर भी इतना ही ध्यान देना है, जिससे आपको या साइट के पास मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचे। और ये जानने के लिए सेफ्टी साइट एंड इक्विपमेंट वीडियो पर क्लिक कीजिए।